क्या आप मिन ब्युंगू को समन करने के बारे में सोच रहे हो? देन यू हैव क्लिक्ड ऑन द राइट वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं मिन ब्युंगू के बारे में। आई एम गोना टेल यू कि एज एन एफ टू पी और एज एन ए पे टू प्ले प्लेयर आपको कितने कॉपीज चाहिए मिन ब्युंगू के टू मेक हिम वर्क, अलॉन्ग विद दैट इसका किट कैसा है और कौन से स्टार पे ये ज़्यादातर शाइन करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चल चलते हैं इस वीडियो में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं मिन ब्युंगू पे जाऊँगा तो हमारे खुद के मिन ब्युंगू पे 4 stars है, विच इज़ ग्रेट। ही ऑल्सो हैव हिज वेपन। तो चलिए जल्दी बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट हिम। ही इज वन ऑफ द बेस्ट सपोर्टर्स इन द गेम, लाइट हीलर है ये, और आई थिंक वन ऑफ द ओनली हीलर्स है गेम में अपार्ट फ्रॉम ली जो ही, जो कि उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है फॉर हीलिंग, राइट। तो ली जोही के अलावा आपका एक लौता सपोर्ट मिन ब्युंगू होने वाला है, तो उसके बारे में सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलते चलते उसके स्किल पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बेसिक स्किल में अपने एचपी के बेसिस पे अटैक करेगा, तो आपको कुछ भी इसे देना है वो एचपी होना चाहिए, ठीक है। और लाइट एलिमेंट है तो ब्रेसलेट में लाइट टाइप डैमेज होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं तो लाइट टाइप डैमेज डील करेगा, और व्हेन डिसगाइज द यूजर्स डैमेज इज इंक्रीज बाय 50%। अब डिसगाइज्ड क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं लाइट ग्लिमर के ऊपर, तो यहाँ पर लाइट ग्लिमर एक इफेक्ट लगाता है ये। तो लाइट ग्लिमर क्या करता है, द यूजर एंटायर टीम रिकवर्स 0.61% ऑफ मिन ब्युंगूज मैक्स एचपी एवरी सेकंड, और व्हेन द यूजर इज डिस्गाइज द रिकवरी रेट इंक्रीज बाय 100%, यानी कि ये 1.22% एचपी रिकवरी हो जाता है पूरे टीम के लिए, विच इज इनसेन। सो ये डिस्गाइज्ड आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर इधर पर हम आते हैं कन्विक्शन ऑफ लाइट, तो ये क्या करता है, डील्स लाइट टाइप डैमेज और फिर स्किल इज हिट अप्लाइज द पनिशमेंट इफेक्ट। अब ये पनिशमेंट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और व्हेन द यूजर इज अंडर द डिसगाइज इफेक्ट द पनिशमेंट इफेक्ट इंक्रीजेस टू 15%। अब पनिशमेंट क्या करता है, इंक्रीज डैमेज टेकन बाय 5%, ये एनिमीज पे लगाता है। अगर डिसगाइज है तो 15% डैमेज लेगा एनिमी ज़्यादा एज कम्पेयर टू व्हाट दे यूजुअली वुड, तो ये है पनिशमेंट, ठीक है। फिर अब हम आते हैं सपोर्ट स्किल पे, तो सपोर्ट स्किल वो है जो संग जिन वू को देगा। पहले तो डैमेज डील करेगा लाइट टाइप, नॉकडाउन करेगा टारगेट को, लाइट ग्लिमर लगाएगा, यानी कि द एंटायर टीम कंटिन्यूअसली रिकवर्स इक्वल टू 1% ऑफ मिन ब्युंगूज मैक्स एचपी। यहाँ पर जैसे 0.61 था, यहाँ पर 1% है, और यहाँ पर डिस्गाइज होने पर डबल हो रहा था इफेक्ट, यहाँ पर डबल नहीं हो रहा है, डायरेक्ट 1% दे रहा आपको 10 सेकंड के लिए। फिर पनिशमेंट भी अप्लाई करता है, लेकिन पनिशमेंट कौन सा वाला, 5% वाला नहीं, डिस्गाइज होने पे 15% होता है ये, वरना यहाँ पर डायरेक्टली 15% डैमेज टेकन इंक्रीज्ड है। मतलब संग जिनवू के साथ अगर आप टीम पे मिन ब्युंगू को लेके जाते हो तो कोई भी एनिमी होता है जब मिन ब्युंगू आएगा तो वो 15% ज़्यादा डैमेज लेगा, विच इज़ ग्रेट। क्यूटी की बात करेंगे तो ये द स्किल इज यूज इट फील्स द एंटायर टीम मेंबर्स पावर गॉज बाय 50%, ये बहुत इनसेन है। यानी कि आप जब हंटर्स ओनली स्टेज खेलोगे तब ये क्यूटी यूज़ करता है, राइट। अब इससे ये पूरे टीम का रिकवरी रेट 50% बढ़ा देगा, मतलब पार गॉज को 50% फिल कर देगा। अब पार गॉज बेसिकली ये अल्टीमेट स्किल का गॉज होता है, जो भरने पे आप अल्टीमेट स्किल यूज़ कर सकते हो, और ये एक बार नहीं करेगा मैच में, ये हर बार करेगा, तो दिस इज़ क्रेजी। आप अल्टीमेट स्पैम कर सकते हो विथ मिन ब्युंगू इन योर टीम। आगे बात करेंगे हेवनली ब्लेसिंग की, तो हेवनली ब्लेसिंग इसका अल्टीमेट है, ये करने पे ये क्या करता है, डिसगाइज हो जाता है, ठीक है। आई थिंक डिसगाइज होता है विद द अल्टीमेट, डिसगाइज किधर होता है इसको, ओके विल सी, आई थिंक इसका यहाँ पर डिसगाइज है, यप इधर है डिसगाइज, ठीक है। तो ये क्या करता है, 100% पावर गॉज कंजम्पशन करके लाइट टाइप डैमेज डील करेगा, यूजर अप्लाइज द हेवनली ब्लेसिंग टू द एंटायर टीम, यानी कि टीममेट 12% ज़्यादा क्रिट रेट और क्रिट रेट पाएंगे, विच इज़ इनसेन, राइट। और यूजर्स डैमेज डेल्ट भी 12% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अप्लाइज द क्रिट हिट डैमेज इंक्रीज, यानी कि अपना 40% क्रिट हिट डैमेज जो एक्सीड हो रहा है मिन ब्युंगू का ऑन हिज बेस क्रिट हिट डैमेज, जो कि 50% है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 153.72% है, तो 103.72 का 40%, विच इज समवेयर अराउंड 42% क्रिट हिट डैमेज पूरे टीम को ये दे देगा। 12% क्रिट रेट, 42% क्रिट डैमेज, और साथ में 12% डैमेज रेट इंक्रीज। ब्रो दिस इज मैसिव, मैसिव बफ्स जो मिन ब्युंगू देता है बेस अपने A0 पर। एडवांसमेंट भी नहीं है इसका, अभी हमने एडवांसमेंट में भी नहीं गए हम, एंड ही इज ऑलरेडी दिस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैरेक्टर, इट इज नॉट इवन क्लोज, ठीक है। बहुत क्रेजी है ये, आर्टिफैक्ट्स पाएंगे तो और भी ज़्यादा बफ हो जाएगा आपका टीम। वहीं अब अगर हम इसके स्टार के बारे में बात करें, ठीक है, सबसे पहले
When tagging in or using divine punishment applies a disguise effect. अब disguise effect क्या करता है? Decrease damage taken by 50%, enhances specific skills effects. तो जैसे कि यहाँ पे disguise करके लिखा है, तो उनके effects बढ़ाएगा. और when hit removes disguise, मतलब इसको hit नहीं खाना है after getting the disguise. ठीक है. अब divine punishment is basically this one. ठीक है. या फिर tagging in and out, मतलब कभी भी आप इसे switch करो बिना QT skill use किए, तो ये disguise effect लगा के आता है. ठीक है. और 10 सेकंड के लिए रहता है until you get hit. तो आपको हिट नहीं होना है, तो आपको काफी सारे बफ्स मिलेंगे विद द डिस्गाइज इफेक्ट. ठीक है. कमिंग अप नेक्स्ट, ये क्या करेगा, पूरे एलाइज का मतलब पूरे टीम का ये क्रिट हिट रेट और क्रिट हिट डैमेज को 12% बेसिकली बढ़ा देगा डायरेक्टली. 1 स्टार पे, 2 स्टार पे एचपी बढ़ाएगा 8%, 3 स्टार पे व्हेन द लाइट ग्लिमर इज यूज्ड द एंटायर टीम इंस्टेंटली रिकवर्स एचपी इक्वल्स टू 2% ऑफ मैक्स एचपी. लाइट ग्लिमर ये वाला, जिससे बेसिकली 0.61% हील हो रहा था, और अगर डिसगाइज है तो 100% यानी कि 1.21% हो रहा था. तो उस पर ये क्या करेगा, 2% एचपी इंस्टेंटली रिकवर करेगा जब भी आप ये स्किल यूज़ करो. 4 स्टार पे मिन जिंगू का पावर एक्विजिशन रेट 10% बढ़ेगा. और A5 पे व्हेन द यूजर यूजेस हेवनली ब्लेसिंग, ये वाला हेवनली ब्लेसिंग इंक्रीजेज द डैमेज ऑफ द नेक्स्ट अल्टीमेट स्किल ऑफ द टीम मेंबर विद द हाईएस्ट टोटल पावर बाई 50%. तो फॉर एग्जाम्पल मेरा चाहिन सबसे स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं चाहिन के साथ इसको टीम में लेके जाऊँ और इसका हेवनली ब्लेसिंग यूज करूँ, तो चाहिन 50% ज़्यादा डैमेज डील करेगी अपॉन ऑल द बफ्स दैट शी गेट्स. यानी कि ये कोई भी एक DPS कैरेक्टर को एक इंसेन बूस्ट देगा एट A5 विच इज इज फाइनल स्टार. भाई आपको सुन के समझ में आ रहा है कितने भयानक बफ्स दे रहा है? दिस इज वेरी क्रेजी. ठीक है. अब हम आते हैं इसके आर्टिफैक्ट्स पे. तो आर्टिफैक्ट्स पे आई एम यूजिंग द नोबल सैक्रिफाइस एंड द आउटस्टैंडिंग कनेक्शन. देर आर बेटर ऑप्शंस आउट देयर, बट मुझे ये अच्छा लगता है. सो ये क्या करेगा, इससे ये अपना 8% अटैक घटा देगा और पूरे टीम मेंबर्स का अटैक 8% बढ़ा देगा. साउंड्स गुड? यस इट डज. और एचपी भी इसका बढ़ रहा है, तो ही इज ऑल्सो गेटिंग मोर एचपी. तो इसका मतलब हीलिंग बढ़ जाएगा. ठीक है. कमिंग ओवर टू हिज एसेसरीज, तो व्हेन टैगिंग आउट इंक्रीजेस द यूजर्स अटैक यूजर एंड देयर टीम मेंबर्स अटैक बाय 12% फॉर 10 सेकंड और 4 पीस पे 28% हो जाता है 15 सेकंड के लिए. तो दिस इज मैसिव, 28+8, 36% अटैक बूस्ट स्ट्रेट अप फ्रॉम द आर्टिफैक्ट्स. तो भाई मिन ब्योंगू इज एन ऑसम सपोर्ट कैरेक्टर. इससे बेटर सपोर्ट कैरेक्टर आपको गेम में नहीं मिलने वाला है. इफ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो गो फॉर A5 विच आई विल ट्राई टू डू नाउ. कोशिश करूंगा. मेरे को एक और स्टार चाहिए यार, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है देखकर. ओ वी गॉट हिम, व्हाट, दिस इज अ 50-50 ब्रो. आर यू किडिंग मी, व्हाट जस्ट हैपेंड, आई कांट बिलीव दिस ब्रो. ये स्क्रिप्टेड नहीं है भाई, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है. डैम भाई मिन ब्योंगू. ओके, एक ही SSR है बट ये 50-50 है बिकॉज वी गॉट अलीसिया इन द लास्ट टाइम. तो ये 50-50 है भाई, दे दो मिन ब्योंगू, आई विल बी सो हैप्पी. Finally maxim out. Let's see कौन है ये. भाई मेरे को क्यों फीलिंग आ रही है एक वेपन होगा. ओके अरे यार, आई एम नॉट लकी, आई एम अनलकी. डैंग इट, वी गॉट एन SSR बट इट वॉज नॉट वॉट वी वॉन्टेड. बट अब 50-50 गारंटीड है, लेकिन हम नहीं जाने वाले और. ठीक है. सो वाओ. ओके तो यार गाइस, व्हाट आर योर थॉट्स और ओपिनियन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड अगर आपको मिन ब्योंगू पसंद आया एंड आप इसे समन करने वाले हो, गो अहेड एंड डू दैट बिकॉज ही इज गोना बी एन ऑसम एडिशन टू योर टीम. ठीक है, ऑसम एडिशन. सो विद दैट एंड दिस वीडियो, कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना. एक्सप्लेन इट स्किट प्रीटी वेल मुझे लगता है. इफ स्टिल देर आर डाउट्स पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, एंड आई आंसर देम. लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन पीस आउट, टेक केयर, अराइज़.